Hello viewers, we are discussing food safety and we also have discussed 10 golden rules WHO for food safety. And now we are going to discuss hazards that can contaminate food and causes of food poisoning. So there are some hazards that can contaminate food, and these hazards are mainly of three types. These are physical hazards. तो physical hazard जो है ये foreign objects होती हैं जिसमें फॉर फूड इनके साथ कंटेक्ट में आता है. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, वुड, ग्लास, प्लास्टिक एट्सेट्रा. तो इसके साथ अगर फूड कंटेक्ट में आता है तो ये फिजिकल हैजर्ड्स हैं जो फूड को कंटेमिनेट करते हैं. सेकंड जो है वो केमिकल हैजर्ड्स हैं. अब केमिकल हैजर्ड्स इस तरह होती हैं कि ये यूटेंसिल्स पे भी लगे होते हैं या दूसरे जो है वो ऑब्जेक्ट्स पे भी लगे होते हैं जो फूड के साथ कंटेक्ट में आते हैं, जिस तरह नाइफ वगैरह है या दूसरे कटिंग बोर्ड्स वगैरह हैं, तो उस पर भी केमिकल्स लग सकते हैं. या मेनली जो फिजिकल हैजर्ड्स हैं इस पे ये केमिकल हैजर्ड्स अटैच हो सकते हैं. तो इसमें ब्लीच, कास्टिक सोडा मोस्टली घरों में यूज होता है या सोप्स वगैरह में भी यूज होता है. डिटर्जेंट्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सारे केमिकल हैजर्ड्स हैं. तो ये भी अगर फूड के साथ कंटेक्ट में आते हैं तो ये केमिकल हैजर्ड्स कास करते हैं. और थर्ड जो है ये माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड्स होते हैं, जिस तरह बैक्टीरिया, वायरसेस, मोल्ड्स, पैरासाइट्स. तो अगर जो है ये फूड के साथ कंटेक्ट में आते हैं ये हैजर्ड, तो वो फूड अनसेफ या अनसुटेबल फॉर ईट होता है, तो वो हम उसको खा नहीं सकते, सुटेबल नहीं होता हमारे लिए. अब जो बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग होती है, यानी बैक्टीरिया की वजह से या पैथोजेंस की वजह से जो काज होती है फूड पॉइजनिंग, तो बेसिकली जो बैक्टीरिया है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये फूड पॉइजनिंग भी कास करते हैं, यानी फूड को कंटेमिनेट करके, खराब करके उसमें टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, तो उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं. अगर इस तरह का फूड हम खाते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं, हमें कै आना स्टार्ट हो जाता है, तो स्टोमिक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो डिफरेंट उनके साइन और सिम्टम्स हम पे क्लियर होना स्टार्ट हो जाते हैं. अब हम ये देखते हैं कि फर्द पर जो बैक्टीरिया हैं अब वो फूड में जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनको कौन कौन सी जो है पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है. तो उसमें वाटर है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है बैक्टीरिया की सर्वाइवल या मल्टीप्लिकेशन के लिए. फूड, क्योंकि इनमें इनके लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, करेक्ट टेम्परेचर, इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो ग्रो करते हैं. टाइम भी उनको चाहिए होता है कि एक खास टाइम तक वो उसमें मल्टीप्लाई कर ले और उसमें वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर ले या अपनी जो है वो जनरेशन को इंक्रीज कर ले या इन्फेक्शियस डोज को डिवेलप कर ले. यस, में ऑक्सीजन भी उनके लिए रिक्वायर्ड होता है. एरोब्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है, जबकि फैकल्टेटिव एनएरोब्स दोनों कंडीशन पे सर्वाइव कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन मौजूद है या मौजूद नहीं है. तो 6 आवर्स में बैक्टीरिया काफ़ी टाइम मल्टीप्लाई कर लेता है और ये इसका नंबर है 200,000 62,001 44. तो इतने टाइम्स के लिए ये डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और इस तरह जो है ये फिर फूड पॉइजनिंग भी काज कर लेता है. अब हम ये देखते हैं कि हाउ डज बैक्टीरिया एंटर फूड प्रीमिसेस. तो फूड प्रीमिसेस या उस एरिया में या किचन में किस तरह एंटर हो सकते हैं, तो इनके लिए कुछ 5 मेन सोर्सेस हैं जिसके थ्रू बैक्टीरिया एंटर हो सकता है. फर्स्ट, फूड हैंडलर्स हैं, ये जो फूड को हैंडल करते हैं, अगर उनके हाथ कंटेमिनेटेड हैं तो उससे ये फूड में ट्रांसफ़र हो सकते हैं. रॉ फूड है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मीट है, पोल्ट्री है, शेलफिश है या वेजिटेबल्स हैं, अगर ये रॉ फॉर्म में हैं और कंटेमिनेटेड हैं तो ये जो है इस तरह जो है ये एक सोर्स है कि फूड प्रीमिसेस में जो है वो बैक्टीरिया एक्सिस कर जाते हैं. इस तरह पेस्ट या एनिमल है, इनके साथ भी बैक्टीरिया अटैच हो के एंटर हो सकते हैं फूड प्रीमिसेस में. इसके अलावा एयर और डस्ट है, इसके थ्रू भी पार्टिकल्स के साथ अगर बैक्टीरिया अटैच हो सकते हैं तो इस तरह जो है ये फूड प्रीमिसेस में एंटर हो सकते हैं. और डर्ट और जो फूड वेस्ट वगैरह होता है, इसके थ्रू भी जो है बैक्टीरिया फूड प्रीमिसेस में एंटर हो सकते हैं.
अब हम फूड पॉइजनिंग की काजेस को देखते हैं। इसमें खुशन जो पुअर पर्सनल हाइजीन है ये इन्वॉल्व होता है फूड पॉइजनिंग में ना। अब जो पुअर पर्सनल हाइजीन है इसमें हम देखते हैं कि डर्टी हैंड्स और क्लॉथिंग्स जो हैं ये जो है फूड पॉइजनिंग का बायस बन सकते हैं क्योंकि बैक्टीरियन के साथ या पैथोजेन के साथ अटैच होते हैं। अनकवर्ड कट्स या वॉन्ड्स जो स्किन पे मौजूद होते हैं उसमें भी जो है पैथोजेन मौजूद हो सकते हैं, तो इस तरह फूड में ट्रांसफर हो सकते हैं। लॉन्ग डर्टी फिंगर नेल्स, अगर नाखून बड़े हों तो भी जो है ये हैजर्ड हो सकता है। इसके अलावा एक्सेस ज्वेलरी जो है, जिस तरह हम फिंगर्स में या हाथ पे पहनते हैं ज्वेलरी, तो खाना पकाने के दौरान हमें नहीं उतारना चाहिए क्योंकि इससे भी जो है पैथोजेन फूड में ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके अलावा फूड प्रीमिसेस में जो है कफिंग या स्नीजिंग, ये भी जो है फूड में पैथोजेंस ट्रांसफर हो सकते हैं इससे। या फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा बीमार है, अगर वो फूड को हैंडल करता है कंटेमिनेटेड हैंड से, तो भी चांसेस होते हैं कि पैथोजेन फूड में एंटर हो सकते हैं। या इवन जो है अगर हम टॉयलेट जाते हैं और उसके बाद जो है अपने हाथों को वॉश नहीं करते, तो ये भी जो है वो बैक्टीरिया के लिए एक्सेस कर जाते हैं फूड में और वो फूड पॉइजनिंग का बायस बन जाते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं या रूट्स हैं जिसके थ्रू जो है वो बैक्टीरिया फूड में एंटर होते हैं और आगे से ये फिर फूड पॉइजनिंग काज कर देते हैं। इसके अलावा क्रॉस कंटेमिनेशन, तो क्रॉस कंटेमिनेशन बेसिकली ये होता है कि जो रॉ फूड, अगर कोई कंटेमिनेटेड फूड है तो वो अनकंटेमिनेटेड फूड के साथ जो है कंटेक्ट में आता है, तो इस तरह जो है ये क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाती है। तो बैक्टीरिया एक सोर्स से यानी कंटेमिनेटेड सोर्स से जो है वो दूसरे सोर्स में जब वो कंटेमिनेट ना हो तो उसमें वो एंटर हो जाते हैं ना। तो कंटेमिनेटेड टूवर्ड्स नॉन कंटेमिनेटेड सोर्स की तरफ जो है ये ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट होते हैं बैक्टीरिया हैंड्स के थ्रू, यूटेंसिल्स, सर्फेसेस, इक्विपमेंट, टी टॉवल्स, रॉ फूड्स या पेस्ट के थ्रू ये हो सकते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन के, तो इसमें देखिए कि अनक्लीन हैंड्स, डर्टी नाइव्स, यूटेंसिल्स, इवन ये देखिए चॉपिंग बोर्ड जिसपे हम अगर गोश्त वगैरह रॉ मीट को प्रोसेस करते हैं, तो अगर हम इसको साफ नहीं करते तो ये भी क्रॉस कंटेमिनेशन का बायस बन सकता है। या ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम रॉ फूड्स, स्टोरिंग रॉ फूड्स विद कुक फूड्स, स्टोरिंग फूड अनकवर्ड, या इवन यूजिंग डर्टी क्लीनिंग क्लॉथ्स एंड टी टॉवल्स। तो अगर हम सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बेसिकली क्रॉस कंटेमिनेशन का बायस बनेगा। और इसके अलावा जो है कुछ फूड इस तरह भी होती हैं जिसको हम पोटेंशियली हैजर्डस फूड्स कहते हैं। अब पोटेंशियली हैजर्डस फूड का मतलब ये है कि कुछ फूड इस तरह हैं जो सपोर्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, यानी उन जो है वो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो रैपिडली या शॉर्ट टाइम में डेवलप हो सकता है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स जो है उनके लिए अवेलेबल होते हैं पैथोजेंस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, तो वो जल्दी से उस पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस तरह के फूड को हम या जो है 5 डिग्री C पे रखते हैं या अबव 60 डिग्री C पे रखते हैं ताकि उसमें वो बैक्टीरिया डेवलप ना हो जाए, वो ग्रो ना कर जाए। तो अगर वो ग्रो कर जाएंगे तो उससे ये होता है होगा कि फूड पॉइजनिंग होगी। तो इस तरह का फूड जो है उसको पोटेंशियली हैजर्डस फूड कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इसमें मीट, पोल्ट्री, सी फूड, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं या डेयरी फूड जो हैं, या ग्रेवीज, या कुक राइस जो है, ये फूड इस तरह है कि इसको हम पोटेंशियली हैजर्डस फूड कहते हैं। इसमें क्विकली बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें फूड पॉइजनिंग काज कर सकते हैं। तो इस तरह के फूड्स को हमें जल्दी यूज करना चाहिए या शॉर्ट टाइम में यूज करना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए इसको नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें बैक्टीरिया जल्दी से डिवेलप होते हैं। तो इस बेस पे इसको पोटेंशियली हैजर्डस फूड्स कहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू, अल्लाह हाफिज़।